दोस्तों, बनाना हेयर मास्क बालों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही असरदारी होता है। जी हाँ, केले से बने हेयर मास्क का उपयोग करना बहुत ही लाभदायक होता है। हर लड़की चाहती है कि उसके बाल काले, घने, लंबे और खूबसूरत हों, इसलिए हम आपको बालों की ग्रोथ के लिए बनाना हेयर मास्क के कुछ आसान तरीके बताएंगे। काले, घने और लंबे बाल देखने में अच्छे लगते हैं और यह किसी भी लड़की की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। ना केवल लड़कियों या पुरुष भी अपने बालों को सुंदर बनाना चाहते हैं तो वो इस हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। केले से बना हेयर मास्क बालों की ग्रोथ करने के अलावा स्कैल्प के स्वास्थ्य यानी हेल्थ को भी बढ़ावा देने में काफी मददगार होता है। केला आपके बालों को पोषण देता है जिससे बालों का विकास अच्छी तरह से होता है। यदि आप भी अपने बालों की समस्या से परेशान हैं, तो आपकी मदद कर सकता है ये केले से बना हेयर मास्क। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इसे बनाने की विधि और इसे लगाने के तरीके। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हेयर मास्क होता क्या है। हेयर मास्क बालों का एक ऐसा चमत्कारी ट्रीटमेंट होता है जो ऑयल, फ्रूट और अनहाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनाया जाता है। हालांकि इनसे बालों को पोषण शैम्पू या किसी कंडीशनर के मुकाबले देर से मिलता है, लेकिन जो फायदा हमारे बालों को इनसे मिलता है वो लंबे समय तक चलता है। दोस्तों, ये तो आप एक बार इनका इस्तेमाल करने लगेंगी तो इनके फायदे आपको अपने बालों पर खुद ही नजर आने लगेंगे। हीट स्टाइलिंग और धूल के कारण कई बार हमारे बाल बहुत खराब हो जाते हैं। ऐसे में हेयर मास्क आपको हेयर ब्रेकेज से बचाने के अलावा इन्हें हेल्दी बनाने में भी मदद करता है। दोस्तों, यदि आप अपने बालों को लंबा करना चाहती हैं, तो केले से बने हेयर मास्क को बालों की ग्रोथ के लिए उपयोग कर सकती हैं। बालों को बढ़ाने के लिए बनाना से तैयार किए गए हेयर मास्क बहुत ही कारगर होते हैं। बनाना विटामिन ई और कैल्शियम से भरपूर होता है जो बालों को लंबा करने में मदद करता है। इसमें लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो बालों के लिए ज़रूरी हैं। आप इसे अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि ये बहता हुआ ना बने और इसमें अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाना चाहिए, वरना क्या होगा, यदि आप इसे ज़रा सा भी अनब्लेंड छोड़ देंगे और अपने बालों में इसको यूज़ करने लगेंगे तो ये बाद में जब आप अपने हेयर को वॉश करेंगे तो ये आपके बालों में उलझ और फंस सकता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप केले को अच्छी तरीके से मैश कर लें या ब्लेंड कर लें। मांग कर करके इस हेयर मास्क को, जो कि हमने केले से ही बनाया है, लगाया अपने बालों में सिरों से लेके जड़ों तक। आपको इसे लगा कब तक रहने देना है? लगभग 20 मिनट तक आप इसे अपने बालों में लगा रहने दीजिए और कोई भी काम कीजिए। आप नॉर्मल पानी से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। इस तरीके से लगाने से आपको रिजल्ट तुरंत ही मिलेंगे। शहद एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध होता है, यह आपके स्कैल्प की कंडीशनिंग भी करता है और ड्राई स्किन में नमी को भी बढ़ावा देता है। यह मास्क डैंड्रफ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। यह आपके बालों को नमी यानी कि मॉइस्चर प्रदान करता है। तो यदि आपके पास केले ऐसे हैं जो ज्यादा पक गए हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और 2 चम्मच शहद, यदि आप ऑर्गेनिक हनी लें तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन आप ज्यादा परेशान ना हो, आपके घर में जिस तरीके का भी हनी उपलब्ध है उसका इस्तेमाल आप इस हेयर मास्क में कर सकती हैं। सबसे पहले केले को छीलकर इसे मैश कर लें और पेस्ट बना लें। याद रखिए दोस्तों, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और इसमें कोई भी गांठ ना होनी चाहिए, एकदम स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। आप इस केले के पेस्ट में 2 चम्मच शहद डालकर इसे अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई भी हेयर मास्क लगाने से पहले आप अपने स्कैल्प को और अपने बालों को अच्छी तरीके से शैम्पू करके और बालों को सुखा कर ही हेयर मास्क लगाएं। गंदे बालों और गंदे स्कैल्प पर हेयर मास्क ना लगाएं। स्कैल्प को साफ करने के बाद आप कोई भी हेयर मास्क अप्लाई करती हैं तो ये आपको ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। दोस्तों, जब केला और शहद अच्छे से मिल जाएं, तो समझ लीजिए कि आपका हेयर मास्क बिल्कुल बनके तैयार है। अब आपको अपने बालों को सुलझा लेना है और ध्यान रखिए कि आपके बाल
ड्राई होने चाहिए, यानी कि सूखे होने चाहिए, गीले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। गीले बालों पर हेयर मास्क नहीं लगाया जाता। केले और शहद का ये हेयर मास्क अपने बालों में जड़ों से लेकर सिरों तक लगाएं। उसके बाद शावर कैप या अपने बालों को और स्कैल्प को किसी साफ कपड़े से ढक लें।